नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, ये जो वीडियो है वो आपके लिए, जी हाँ, आप जो देख रहे हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहिए। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब। सबसे पहले जो सबसे पीक पॉइंट है या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सैलरी। ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब्स में आपको सैलरी जो होती है वो कम होती है और गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है। अब कुछ प्राइवेट जॉब ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा आपको सैलरी देते हैं, बट बेसिकली अगर आपको बता दूँ, जो प्राइवेट जॉब्स में आपकी सैलरी जो स्टार्ट होती है वो 12,000 से स्टार्ट होती है। मिनिमम 12,000 से आपको फ्रेशर्स को स्टार्टिंग सैलरी मिलती है और विथ एक्सपेंस वो बढ़ती रहती है। और अगर वहीं पर आप बात करें गवर्नमेंट जॉब की, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो, तो वहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से ऊपर 30-35 और वो रेंज करती है ऊपर, अकॉर्डिंग टू आपके एक्सपीरियंस वो बढ़ती रहेगी। तो ये बड़ा डिफरेंस है सैलरी के मामले में। सेकेंड थिंग, ड्यूटीज़। प्राइवेट जॉब में आपको जो ड्यूटीज़ होती है हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब की जो ड्यूटीज़ आवर्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक आवर्स नहीं होते हैं। कभी कभी अगर 8 आवर्स की, फॉर एग्जांपल, जब आपने अप्लाई किया है और जब आपको हायर किया गया है प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब के लिए, तो वहाँ पर आपको डिसाइड किया गया है कि आप 8 आवर्स जॉब करें। और कुछ टाइम पे ऐसा होता है आपको लाइक एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करने को पड़ती है, लाइक 8 आवर्स जॉब है तो फिर 10 आवर्स तक आपको करना पड़ता है, कई लोग 12 आवर्स तक भी काम करते हैं। तो ये बात होती है प्राइवेट जॉब्स की। वहीं पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब, जो टाइम स्पैन सिलेक्टेड है, जो टाइम स्पैन आपको दिया गया है, उन्हीं टाइम स्पैन में आपको जॉब करना पड़ता है। मतलब अगर आपको 6 आवर्स का ड्यूटी है तो आप 6 आवर्स ही आपको काम करना है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा या फिर ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। बट प्राइवेट जॉब की हम बात करें तो प्राइवेट जॉब में एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा टाइम आपको करना पड़ता है और वहाँ पे आपको लाइक उसके लिए पे किया भी जाता है या कई इंस्टीट्यूट में किया भी नहीं जाता, मोस्टली नहीं किया जाता। के कंपैरिजन में हम देखें गवर्नमेंट जॉब की, तो जॉब टाइम या फिर ड्यूटी टाइम जो होता है वो कम होता है और जो ड्यूटी टाइम है उतने ही ड्यूटी टाइम आपको करना होता है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। बट ये प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में ये दूसरा डिफरेंस है। नेक्स्ट थिंग, वैकेशंस या फिर हॉलीडेज। अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब में अगर आपको कोई हॉलीडे चाहिए, कुछ कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ प्रोग्राम है, कुछ फंक्शन है, उसके लिए आपको अगर कोई छुट्टी लेनी है, तो वहाँ पर आपको बहुत दिनों पहले अप्लाई करना होता है या फिर उस दिन पहले आपको अप्लाई करना होता है। और वो भी अगर आपको छुट्टी मिलती है तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपकी जो सैलरी होती है उस दिन की कट की जाती है, तो ये बात होती है। और वो भी आपको लिमिटेड टाइम के लिए, लाइक आपको ज़्यादा लंबी छुट्टी नहीं मिलती, लिमिटेड पीरियड के लिए छुट्टी मिलती है और उसमें भी सैलरी कट जाती है। और कुछ इंस्टीट्यूट में भी ऐसा भी है कि आपको जितने दिन की छुट्टी आपने ली है उतने दिन की छुट्टी उसको लाइक आपको कहते हैं भरपाई, तो वो करनी होती है। ये बात है प्राइवेट जॉब्स की। सेकेंडली, ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट जॉब, आपको कुछ छुट्टी होती है, कुछ बैलेंस होता है छुट्टियों का जो आप ले सकते हैं। एक तो वहाँ पे ड्यूटी टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है और आपको बैलेंस होता है, तो जितने छुट्टी आप चाहे आपको मिलते हैं, बट जितना भी आपका बैलेंस हो उसके अकॉर्डिंगली, जितना आप मेडिकल लीव्स चाहिए मेडिकल लीव्स आप ले सकते हो, प्रेगनेंस अगर आप लेडी हो तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए लीव्स होते हैं वो लीव, मैटरनिटी लीव होते हैं तो वो लीव्स आप ले सकते हो। हाँ, प्राइवेट जॉब्स में भी मैटरनिटी लीव होते हैं, बट उसमें जो पॉलिसीज होते हैं, उसमें जो लाइक प्रोसेस होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो लाइक हम एम्प्लॉयज़ के लिए वो थोड़ा ठीक नहीं होता है। बट अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो दे आर सपोर्टिव और वो आपको आपके मैटरनिटी लीव में सैलरी भी देते हैं। यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आपको सैलरी मैटरनिटी की मिलती है और मिलनी भी चाहिए और मिलना ही होता है, उनको सैलरी आपको मैटरनिटी लीव की सैलरी देनी होती है। तो ये बात हुई छुट्टियों की, लीव्स की। प्राइवेट जॉब्स में आपको अगर आपने लीव लिया तो आपकी सैलरी कट जाती है, गवर्नमेंट जॉब में आप लीव्स ले सकते हैं, हॉलीडेज पे आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको सैलरी आपकी वहाँ नहीं कटती, तो ये बात रही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अगर आपको अच्छा पेमेंट चाहिए तो वो बड़े बड़े सिटीज़ में होता है, लाइक पुणे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, चेन्नई, तो ये जो सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, तो वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो आपको अच्छी पेमेंट देंगे। तो
फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 20,000, अगर 20,000 स्टार्टिंग सैलरी है तो वहाँ पर रहना, आपका खाना और बहुत कुछ बातें होते हैं, जहाँ पर आपका रेंट किराया ये जो बात होती है वो 10,000 तक वहीं पे कट जाते हैं, और आपके हाथ में होते 10,000, उसमें भी अगर आपके कुछ लीव हो तो वो भी कट जाते हैं, या फिर उसमें अगर आपके कुछ पेनल्टीज हो, जब आपसे कुछ गलतियाँ होती है तो वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स पेनल्टीज देते हैं, 500 रुपीज़ फाइन, 1,000 रुपीज़ फाइन, कुछ लाइक अगर आप लेट आते हो तो वो फाइन, तो ये बहुत सारे फाइन्स होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो ये बात होती है, खर्चा ज़्यादा होता है आमदनी कम होती है, वो बात होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में। अगर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में, उनका एस्टेब्लिशमेंट बड़े बड़े शहरों में नहीं होता है, वो कुछ छोटे छोटे शहरों में होते हैं। अगर आप विलेज एरिया में रह रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे सब ठीक ठाक होता है और आपको ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर सिटीज़ के बारे में आप बात करो तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, ज़्यादा स्पेंड करते हो आप, आमदनी कम होती है और खर्चा ज़्यादा है। और गवर्नमेंट जॉब में हम बात करें तो जितनी आमदनी ज़्यादा होती है उतना ही कम खर्चा गवर्नमेंट जॉब वाले लोग करते हैं, तो ये डिफरेंस हुआ है। तो नेक्स्ट डिफरेंस अबाउट प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब, तो प्राइवेट जॉब में और गवर्नमेंट जॉब में कुछ स्कीम्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो होता है कि प्राइवेट जॉब में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ लाइक कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो तब ही जाकर कुछ स्कीम्स, कुछ पॉलिसीज आपके लिए अप्लाई होते हैं। बट अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, जितने भी एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसीज होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ के लिए स्कीम्स होते हैं, उन सभी स्कीम्स का आनंद गवर्नमेंट जॉब वाले ले सकते हैं। तो ये थे कुछ छोटे डिफरेंसेस, कुछ 4-5 डिफरेंसेस हमने देखे इस वीडियो में। आशा करता हूँ प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के बीच में जो ये जो कंपैरिजन हमने किया है वो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले वीडियो आप देखें, आप एंजॉय करें और इस चैनल में आप बने रहिए। हमारे चैनल पर लेक्चर्स भी स्टार्ट हुए हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लेक्चर्स हम बना रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको चाहिए कुछ पॉइंट है जो आप चाहते हो हम कवर करें एज ए लेक्चर, हमारे लेक्चर वीडियो में उसके ऊपर हम लेक्चर दें, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स को भर सकते हो आपके सजेशन के साथ, आप सजेस्ट कर सकते हो कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स, और उसके ऊपर हम प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे जल्द से जल्द लेक्चर बनाने का। और दोस्तों जो लेक्चर वीडियोस हमने अभी तक अपलोड किया है हमारे चैनल पे, वो सबसे पहले जाके हमारे चैनल पे नीचे चेक करिए और वीडियोस देखते रहिए, उन वीडियोस को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, और आपका प्यार हम पर बरसाते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.